बेकाबू है और तबाही बेतहाशा हो रही है। देश के कई राज्यों में यही हाल है। मूसलाधार बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश की सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूं और इसके साथ आप देखिए एक के बाद एक तस्वीरें आपको बताएंगी कि हालात क्या हो गए हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की भी साथी तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश से शुरुआत, बैतूल में सड़क पर सैलाब है, देवास में नदियों में उफान है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। महाराष्ट्र में तो बारिश के कहर से अब तक 119 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसानों को खेतों में पानी घुसने की वजह से फसल खराब होने का डर सता रहा है। शुरुआत देवास की तस्वीरों से करते हैं। एमपी के देवास में आसमानी आफत का सितम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नदियों में उफान की वजह से निचले इलाके जलमग्न है और लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की वजह से निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित है और इसी के साथ ही प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की हिदायत दी है, लेकिन जो लोग हैं वो मानते नहीं। रोजाना ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं प्रशासन के चेतावनी के बाद भी, और ऐसे में हादसों का शिकार हो जाते हैं। कई बार रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेती है, कई बार उनके बह जाने के बाद पता ही नहीं चल पाता कि आखिर वो कहाँ गए हैं। और ऐसे में ये देखिए मध्य प्रदेश के देवास की तस्वीरें जहां पर आफत की बारिश ने बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है। चलिए अब इंदौर की बात कर लेते हैं। बारिश राहत की बजाय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में गायब हो गई हैं और इसी जल जमाव के बीच लोगों को निकलना पड़ रहा है, क्योंकि रोजाना जाएंगे नौकरी पर काम के लिए तभी तो घर में पैसा आएगा और उस पैसे के जरिए अपना जीवन यापन किया जा सकेगा। महाराष्ट्र की तस्वीर भारी बारिश के बाद बिल्कुल बदल चुकी है। बहुत हालात बेकाबू है वहां पर। आलम यह है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ का खतरा है। वहीं इस वक्त जो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी उसमें आप देखिए कैसे पुल एक सैलाब में है और कई घरों में पानी घुस गया है। महाराष्ट्र के 5 जिलों की तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। राज्य में बिगड़ते हालात को ये बयां कर रही हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में एक पुल सैलाब में डूब गया है। गढ़चिरौली में तो एक पूरे इलाके पर ही पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। कणकवली में एक पुल लहरों में समा गया है और इसकी वजह से इलाकों से कई ऐसे हैं जहाँ से संपर्क टूट गया है। सोलापुर की भी तस्वीरें आपके सामने, जहाँ कब्रिस्तान तक शव ले जाने के लिए लोगों को फंती नदी में जाकर अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। कोल्हापुर में बांध से प्रशासन लगातार पानी छोड़ रहा है जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। और आइए अब आपको मैं दिखाती हूं बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई 10 अहम खबरें। महाराष्ट्र के अमरावती में पानी के तेज बहाव में बही गाड़ी नदी किनारे। गाड़ी पार्क कर मंदिर में दर्शन करने गए थे लोग, जलस्तर बढ़ने से अचानक गाड़ी बह गई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में समुद्र में 10 मछुआरे फंस गए थे। कोस्ट गार्ड ने सभी मछुआरों को एयरलिफ्ट कर बचाया, सभी मछुआरे सुरक्षित। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। यहां बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। पानी इतना ज्यादा है कि सड़कें और पुल डूब चुके हैं। आलम यह है कि कई गांवों से संपर्क टूट चुका है। महाराष्ट्र के कणकवली में पानी के तेज बहाव से बहा पुल, कई गांवों से संपर्क टूटा, लोग हुए परेशान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश, झरने के तेज बहाव में फंस गई मोटरसाइकिल और उसमें सवार शख्स, कुछ लोगों ने धक्का लगाकर तेज बहाव से पार कराया। हिमाचल प्रदेश के चंबा के पास बादल फटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। सड़कों पर भी मटमैला पानी बहता दिखाई दिया जिसके साथ बहकर आए मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। एमपी के खरगोन में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई जबकि दुकानों में बारिश का पानी घुसने से लोग परेशान। मध्य प्रदेश के देवास में मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, कई जगहों पर यातायात ठप, निजी स्कूल में बच्चों को दी गई छुट्टी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बारिश से तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। 3 दिन से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया, डैम से पानी छोड़ने से उफान पर नदियां। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश की वजह से आई बाढ़ में एक ट्रैक्टर डूब गया, हालांकि ट्रैक्टर चालक अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान है। हालात इस कदर खराब है कि कब्रिस्तान जाने के लिए भी लोगों को जान हथेली पर रखकर
जाना पड़ रहा है, उफनती नदी को पार करना पड़ रहा है। तस्वीर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से है, जहां भारी बारिश के बाद हराना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को शव को कब्रिस्तान ले जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ रही है और लहरों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है बारिश, जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई जिलों में हालात बदतर हो रहे हैं। हर रोज सामने आती हैं कई डरावनी तस्वीरें। आफत बना पानी, मुश्किल में जिंदगानी, मॉनसून में मुसीबत वाली बारिश, सड़कें पानी से फुल, बह गया पुल। महाराष्ट्र के कणकवली से भी खौफनाक तस्वीर सामने आई। यहां एक पुल सैलाब में बह गया। कणकवली इलाके में बहने वाली कण नदी भारी बारिश की वजह से उफान पर है। उसका तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बाहर ले जाने के लिए बेताब दिख रहा है और नदी पर एक पुल तेज बहाव की भेंट चढ़ गया। पुल के बह जाने से कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी नदियां उफान पर हैं। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि सड़कें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं और कई गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। उनका संपर्क भी मुख्य मार्ग से खत्म हो चुका है। उफनाते डैम के खोले गए फांटर, मूसलाधार बारिश, पनिया पर महाराष्ट्र में मॉनसून की बारिश किस कदर कहर बरपा रही है, इसका अंदाजा उफनाते बांधों को देखकर ही लग रहा है। कोल्हापुर का राधा नगरी डैम पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है और अब पानी डैम के ऊपर से बहने को बेताब दिखाई दे रहा है। तो वही महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में बने पुजारी टोला बांध के सभी 13 गेट खोल दिए गए, जिसकी वजह से आसपास के जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां और बांध उफान पर है, तो वही बांधों से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी अब कई गांव के लिए खतरा बन चुका है, जिसे देखते हुए वर्धा जिले के अरवी से कौदन्यापुर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है और लोगों को इस तरफ न जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। बाढ़ के पानी से कई गांव घिर गए, जिनमें फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जिंदगी पर भारी बारिश, उफनाती नदी में मौत की छलांग। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वो आंकड़े हैं जो प्रदेश के डिजास्टर मैनेजमेंट ने जारी किए हैं और राज्य के अधिकतर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई में भी येलो अलर्ट जारी किया गया। नागपुर जिले के हालदापुर इलाके में कुछ लोगों की जान पर उस वक्त बनाई जब वो मंदिर में दर्शन करने गए हुए थे। भारी बारिश की वजह से मंदिर की एक दीवार ढह गई और मंदिर के अंदर ही लोग फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर निकाला गया। जहां एक तरफ लगातार हो रही मॉनसून की बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है, तो वहीं कोल्हापुर में कुछ लोग उफनाती नदी में जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते नजर आए। दो दिन से होने वाली बारिश से कोल्हापुर के पंचगंगा रिवर का पानी है तो बढ़ता ही जा रहा है। पंचगंगा रिवर ने वार्निंग लेवल क्रॉस करके अभी डेंजर लेवल तक पंचगंगा रिवर का पानी जा रहा है। आप देख सकते हैं पंचगंगा नदी का पानी कितना बढ़ चुका है और काफी लो एरिया में वो पानी जा सकता है। इस वजह से प्रशासन भी अभी अलर्ट मोड पे आ गया है। पहाड़ पर बारिश का प्रहार। महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने मुसीबत बढ़ा दी। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में लगातार हो रही बारिश पहाड़ों पर मुसीबत बनकर बरस रही है, जिसकी वजह से यहां के हाथी पर्वत में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि पहाड़ का मलबा नीचे बद्रीनाथ हाईवे तक जा पहुंचा, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था।
और लगातार जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे देश के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई प्रदेशों में नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र के कई जिले भारी बारिश आसमान से आफत बरसा रही है। महाराष्ट्र से शुरुआत करती हूँ। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश आफत बनी हुई है। प्रदेश में बारिश से अब तक 119 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश से सड़कें और पुल पानी में डूब चुके हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क ही टूट गया है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली और सतारा के स्कूलों में परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। वर्धा जिले में बाढ़ के पानी में सड़कें डूब चुकी हैं। एहतियात के लिए अरवी से कोडनियापुर रोड बंद कर दी गई है। महाराष्ट्र के चिपलूण में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है।